रामनवमी के मौके पर सभी और ईशान के साथ होने वाला है एक बहुत बड़ा हादसा, जिसका प्रोमो सामने आ गया है। अब इसके बाद फैंस कैसा रिएक्शन दे रहे हैं? आखिर ये हमला सभी ईशान पर कौन करवाने वाला है? कौन उनके प्यार पर ग्रहण लगाने वाला है? चलिए बताते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सीरियल में हाल ही में सुरेखा यशवंत के बेटे चिन्मय की एंट्री हुई है, जिसने पूरे भोसले हाउस में हंगामा मचा दिया है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें रीवा की, तो रीवा को तो आप जानते हैं, वो कभी से सभी ईशान की नजदीकियों को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। अब इन सब के बाद जहां एक प्रोमो सामने आया, प्रोमो में हमने देखा सभी जो है वो बेहद खुश नजर आई। सभी ने सीता जी का रूप धारण किया, तो वहीं ईशान ने भगवान राम जी का, जिसके बाद दोनों बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। दोनों अपने प्यार की, अपने रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं रामनवमी के मौके पर, लेकिन तभी इनकी फोटो जो है वो काली हो गई, यानी कि इनके जिंदगी में कोई ग्रहण लगने वाला है। आखिर ये ग्रहण कौन है? चलिए बताते हैं फैंस ने इस पर क्या रिएक्शन दिया है। अक्षिता नाम की यूजर लिखती है, मुझे लगता है कि वो रावण चिन्मय होगा, क्योंकि आप तो जानते हैं कि चिन्मय जो है वो कितना खतरनाक है, ईशान से वो कितनी नफरत करता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसके माँ पापा सिर्फ और सिर्फ ईशान को मानते हैं, उसको नहीं। वहीं अगले यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, प्लीज इन सब में रीवा को साइलेंट किलर की तरह मत लाइएगा, इन सब से रीवा को दूर रखो। आगे एक यूजर लिखते हैं, तो अब रीवा होगी रावण, क्योंकि यहाँ पर सभी ईशान के बीच में रावण की तरह कोई ना कोई आने तो जरूर वाला है। अब वहीं फैंस ने रीवा चिन्मय दोनों का नाम लिया है। आगे भी एक कमेंट आया है जहाँ लिखा गया, इस बार रामनवमी के दिन सभी को वनवास होगा। अब फैंस जो हैं भाई वो तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं और अपनी राय को शेयर कर रहे हैं। वहीं भारती नाम की यूजर लिखती है, मतलब रीवा रावण नहीं पाकी बनेगी फीमेल रावण। भाई अब फैंस जो हैं वो किस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं आप देख सकते हैं। यहाँ रीवा चिन्मय दोनों ही फैंस के निशाने पर है, क्योंकि आप तो ये भी जानते हैं कि सिर्फ इस टाइम पर ईशान और सभी दोनों के दुश्मन रीवा और चिन्मय है। जहाँ पर चिन्मय ईशान का दुश्मन है, तो वही रीवा जो है वो सभी की दुश्मन है, क्योंकि रीवा को लगता है कि सभी ईशान के करीब जा रही है और उसे वो ईशान से दूर कर देगी। अब ये सारी चीजें हो गई है। बात करें हम प्रोमो की, तो प्रोमो इंटरेस्टिंग था, लेकिन रामनवमी पर देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि कौन किसकी जान लेता है। क्या सभी ईशान में से किसी की जान चली जाएगी? क्योंकि जिस तरह से इनके प्यार पर काले बादल छा गए हैं, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। पर आपका क्या कहना है इस प्रोमो को देखकर? आपको कौन लगता है कौन बनेगा असली रावण? कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे भी जल्दी से फॉलो करें।